वहाँ आए जो निमंत्रण खा के निकले तो जो है कहें चलो बड़े साहब बुलावत थे। अब हुआ कहाँ बड़े साहब, कहाँ कहाँ रोड पर हैं। अब वहाँ न बड़े साहब न छोटे साहब हुआ लेकिन उसकी कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है सर। मुझे पकड़ के फिर हमारे बेटे को लोगों ने पकड़ लिया, ये फर्जी मुकदमा लिखा है। गुंडे लोग घूम रहे हैं आराम से और गाय भैंस भरे हुए हैं हमारे घर में। जब आपने एप्लीकेशन यहाँ दी तो कोई आया था आपके यहाँ पुलिस वाला? कोई नहीं आया। कोई नहीं आया जाँच के लिए? लिखा है सर, हम दोनों भाई को, मेरे लड़का के एक लड़का है और इलाहाबाद में पढ़ रहा है। यहीं बुला लो सबको। ठीक है, यहीं बुलाएंगे। नंबर दे। रूप हमारे भाई सर सब बाहर रह रहे हैं, कमाई कर रहे हैं, उन सब के नाम इसमें डाले जा रहे हैं। लास्ट टाइम सर मैंने आपसे कहा भी था, पहली बार आया तो एक FIR था, दूसरी बार आया मैं आपके पास तो दो FIR था, आज मैं आया हूँ मेरे को। ये SHO और इसको सबको बुलवा लो। 100 था उसको सर, चोट वोट लगी थी काफ़ी, टेप वोप लगा हुआ था सर, मुझे दिया नहीं गया, वापस मेरा मोबाइल वोबाइल छीन लिया गया। चोट लगी थी तो उनका कहीं इलाज हुआ था नहीं? अब सर मुझे नहीं पता। हाइस जो है विपक्षी जो है जबरदस्ती मेड़बंदी करके कब्जा कर रहे हैं, उसमें शिकायत है थाने की है, उसका डीएम साहब के पास एक वीडियो भी है उसका, जो उनके खिलाफ 116 कार्रवाई हो गई विपक्षी के शिकार में। ठीक है, इसके बाद जो है फिर डीएम साहब के पास भी गए जो है, उन्होंने जो है कि FIR का भी आदेश। मैं जी नौबस्ता ग्राम सभा का प्रधान हूँ जी, मतलब जी अभी नौ दुर्गा चल रहा था तो 10:30 बजे हम प्रसाद वितरण करके जी ये जानवर खेत में धान कई किले खेत हैं जी, छोटा भाई वहीं पे रखवाली करता है जी, तो 10:30 बजे के करीब जो ना जी खेत के तरफ जात रहे। अच्छा, तो अचानक एक आवाज़ जी प्रधान जी रुको, तो हम जी मोटरसाइकिल से रहे, हमने कहा जानवर का आतंक है, सब किसान ही आदमी जो है अपना होंगे, अपने मोटरसाइकिल को जी थोड़ी सी धीम बैठे। कहाँ गलत फंसा दिया? सर पूरा साथ निमंत्रण घर में उसके नंबर लेन उसे फ़ोन से बात किए तो बता दिया कि हम फला जगह निमंत्रण में हैं, पिताजी भी हैं। अब वहाँ आए जो निमंत्रण खा के निकले तो जो है कहें चलो बड़े साहब बुलावत थे। अब हुआ कहाँ बड़े साहब, कहाँ कहाँ रोड पर हैं। अब वहाँ न बड़े साहब न छोटे साहब कोई साहब नहीं थे। अब ये ले जा कर के मोटरसाइकिल सीधा डाल दिए कोकरा थाने की ओर, चौकी पर गाड़ी रोक करके ये फ़ोन करते हैं सर, तो चौकी पर भाजी आते हैं और अपने जो है उसमें पहिए में बैठा के इस लड़के को थाने की ओर ले जाते हैं। तो कहा क्या बात है जो है, कहा चलिए जो है, और ले जा कर के वहाँ उसको जो है वहाँ बंद लड़का जो है कह रहा ये लड़का ने मुझको गाड़ी नहीं दिया, मुझको परिवार ने गाड़ी बेचा है 35,000 रुपये में, मैं इस लड़के को नहीं जानता, इसको मैंने पहली बार देखा है। और कप्तान साहब से मिले हो नहीं? जी सर हमने अब कप्तान साहब से मिले, उनको बताइए समस्या अपनी। बतावा साहब जो क्या कह रहे हैं, लिख के थाने बताई दे थे, कोई जो उन्हें सुनाई नहीं साहब, जो उन्हें जीवन में पहली बार साहब आए आवा है, पहली बार आज तक हमारा रिकॉर्ड देखा जाए, इतनी बड़ी उम्र बीत गए। अब सब पूरा एफिडेविट हलफ नामा सर लगे हुए हैं और सारे साक्ष, लड़का जो कर रहा है वो भी लगा हुआ है, उसका एडमिट कार्ड भी लगा है कि लड़का क्या कर रहा है बताइए। ठीक है, मैं तो नहीं पढ़ पाया लेकिन बच्चों को सर मेहनत करके कराते हैं, सही कार्रवाई कराएंगे। ठीक सर, ठीक है, सही होगा, जब बुलाया जाए कप्तान साहब द्वारा तो वहाँ जाओगे। बताइए क्या हुआ था सर? ये शाह के द्वारा जो है प्रसिद्ध है और अपना हुआ था FIR भी हुई लेकिन उसकी कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है सर। इनके साथ मारपीट की जी, तो कहाँ थाने में ये क्या है, ये हो तो गई FIR लेकिन इस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। अच्छा, कार्रवाई कोई नहीं हुई, कब लिखाई गई है, कितने दिन की है घटना? ये CO से बात कर लेना अभी। हाँ, कप्तान साहब जब बुलाएं तो चले जाना इस समय। बताइए सर,
ये तो पहले भी आए थे शायद इनका रचना सक्सेना इनको आप लोगों आपने पकड़वा दिया और उसके मुझे पकड़ के फिर हमारे बेटे को उन लोगों ने पकड़ लिया। ये फर्जी मुकदमा लिखा है एनटीपीसी का। सर मेरे हस्बैंड भी आए थे जब आपने अप्लीकेशन फाड़ दी थी, अपोजिशन ने एनटीपीसी का कराया था, तो वो जो 214 का प्रकरण था और दो ये 21 में मुकदमा लिखा गया। तो अगर सर गलत हो तब तो आप भेज दीजिए हमारे बच्चों को। हमारे बच्चे हैं, वो छोटे वाले बच्चे का भी नाम डाल दिया सर, वो 2006 से बाहर है, 6 साल से बाहर है, अभी 2 साल से वो नौकरी कर रहा है बेंगलोर में और हमारे बच्चे को कल से पकड़े हुए हैं। सर अगर जांच में गलत है, एनटीपीसी हम लोगों ने कराई है गलत है, तो आप जेल भेज दीजिए, हम यहाँ पूरा परिवार बैठा है सर। लेकिन गलत ढंग से नहीं, हमारे निर्दोष लोगों को आप न्याय दिला दीजिए सर। क्या कह रहे हैं? तो पहले सीओ से बात करें ना, मेरी भी करा दें, ठीक है करेंगे अभी बात। सर अभी हम दूसरी बार आए हैं और पुलिस कोई कार्रवाई नहीं कर रही और उन लोगों ने लोग घूम रहे हैं आराम से और गाय भैंस भरे हुए हैं हमारे घर में। जब आपने एप्लीकेशन यहाँ दी तो कोई आया था आपके यहाँ पुलिस वाला? कोई नहीं आया। कोई नहीं आया जाँच के लिए? अब हर एक मामले में हर एप्लीकेशन में ये लिखिए जब भी कोई जो भी जांच अधिकारी जाएगा मौके पर जाएगा, जब वादी से बात जाए करेगा तो हेल्पलाइन को फ़ोन करेगा वो पैसे, ठीक है? बगल में मेरी मैं इस पर आ गया और उसके डेट नोट कर लीजिए, हमेशा हर एक में लिख के भेजिए एक लाइन, उसका नंबर दे दीजिए अपना हेल्पलाइन का है जिसका भी, कि जब भी कोई अधिकारी चाहे वो कॉन्स्टेबल से लेकर सीनियर अधिकारी तक जब भी मौके पर हमारी एप्लीकेशन पर जाँच के लिए जाएगा वहीं से वो पहले ब्रीफ करेगा कि मैं इस पर आ गया हूँ, ठीक है मैं जांच कर रहा हूँ देख रहा हूँ, और आप वो डेट भी लिखेंगे जब हमारे यहाँ से किस तारीख में आदेश गया और वो आदमी कब जा रहा है, ठीक सर जी। हाँ बताइए। हमारा ये तो ऐसे बस लगा देते हैं, कुछ करते नहीं है उसमें। ये रुकिए अभी ये पढ़ी आपने जो जाँच आई है? पढ़ी है पर तो लग के भी कितना दिन है। ये कह रहे हैं आवेदक मोमिनपुर भटावा प्रयागराज की रहने वाली हैं, ये बात सही है? अटाला की रहने वाली है। अटाला की? हाँ। ये भटावा लिख दिया इसने, कुछ भी लिख दिया। अटाला की रहने वाली, जिसकी जांच के क्रम में उपनिरीक्षक सुखम द्वारा बताया गया कि थाना धूमनगंज पर आवेदिका की लिखित तहरीरी सूचना आरोपीगण द्वारा आदमी को धोखे से अन्य भूस्वामी की भूमि को विक्रय कर फर्जी कागजात तैयार करके अवैध आर्थिक लाभ हेतु उपयोग किए जाने के आधार पर मुकदमा अपराध संख्या, ये मुकदमा लिख गया आपका, आपको FIR की कॉपी मिल गई? सब मिली कॉपी, ठीक है। 14/4/22 को पंजीकृत किया गया है। यहाँ कब आए थे आप? हम अभी पीछे 19 तारीख को आए थे, आपने उस दिन कहा था कि जाइए आप 3 दिन। विवेचना की जा रही है? हाँ तो इसका मतलब विवेचना में कुछ किया नहीं इसने। ये कॉल कर लो हम सभी को, 3-4 तो लगाए हैं माफिया वाले। आओ जिसने रजिस्ट्री किया है वो तो सिलेंडर हो गया है। अच्छा बाकी को गिरफ्तार नहीं किया? कुछ नहीं किया। यहीं बुलाया जाएगा, अभी आपको फोन पे बता दिया जाएगा। देखिए बेल भी खारिज हो गई इसमें। चलो वो ठीक है, तो गिरफ्तारी सबकी होनी है। क्या नाम तो नहीं निकाला किसी का? नहीं नाम नहीं निकाला है, ये बेल खारिज हो गई इसकी, ठीक है फिर भी कुछ नहीं कर रहे उनको। ये नंबर सही है जो फोन नंबर लिखा आपने? ये नंबर ठीक है 8601653100। इसी पर आपको सूचना जाएगी जब यहाँ बुलाया जाए तो आप आ जाना, पूरा रिकॉर्ड के साथ आओगे अपने गवाहों के साथ। बताइए सर चोरी नहीं हुई? बैठ के बताइए सर। चोरी नहीं हुई हमको, जमीनी मुकदमा से हमने लड़ा, जीत गवाह हुई है, फर्जी फंसाया जाएगा। चायल द्वारा जाँच की गई, CO साहब ने जाँच की आपकी? CO साहब ने बयान लिए आपके? नहीं सर। पूछताछ की? नहीं सर। शक्ति का पूरा चरवा, चरवा में आवेदिका की तहरीरी सूचना पर मुकदमा लिखा गया 457 380 506, विवेचना की गई, जमीन संबंधी विवाद है, मोबाइल नंबर CDR निकालने के लिए रिपोर्ट दी गई है, निस्तारण बाद में किया जाएगा। अभी क्या है, अभी किस लिए आए हो आप? विवेचना चल तो रही है। हाँ हाँ आपको बुलाया गया जी सर। फिर क्या हुआ? भेजे उन्होंने यहाँ भेजा है?
विपक्षी पहले यहाँ नेता आई थी जी सर, उनसे जमीन विवाद हमारा चल रहा था, उनकी जमीन जो है निरस्त हो गया सर, हम तो चोर फंसा रहे हैं सर, हम शिक्षक में सर, हमको परेशान लिखा है लिखा है सर, हम दोनों भाई को मेरे लड़का के एक लड़का है और इलाहाबाद में पढ़ रहा है। यहीं बुला लो सबको। ठीक है, यहीं बुलाएं। बताइए सर, हमें बहुत पीड़ा है सर, हमारी रिपोर्ट थोड़ा चुकी, हमारे और हमारे परिवार के लिए आए दिन सर एफ आई आर किया जा रहा है। कितनी एफ आई आर हो गई आपके खिलाफ? तीन एफ आई आर हो गई सर, और मैं खुद पीड़ित हूँ सर। मेरी बाद में जो है, मैं 29 तारीख को आया था और आके मैंने जो है यहाँ पे आपके यहाँ आपकी मुलाकात की हुई सर, मैंने ये अप्लीकेशन दिया था। हाई कोर्ट के स्टे के बावजूद जो है सर, इन्होंने 200 पेड़ काटे और पूरे बाग में से जो है रोड बना दिए। अभी तक रिपोर्ट नहीं आई इसकी? और 29 तारीख को जो मैंने दी थी सर, और उसके एफ आई आर के लिए सर मैं दर बदर भटक रहा हूँ, सबके पैर पकड़ रहा हूँ, लेकिन वो नहीं हुआ सर। लेकिन उसके बावजूद बिना किसी, उसकी एफ आई आर कब हुई है लास्ट? एफ आई आर कब कराई? 12 तारीख को सर। अभी कराई है? अभी दो दिन पहले हंडिया थाने पे। हाँ, आपने उनको वार्न भी किया था सर, उसका किसको मेरे पास है। किसको वार्न किया था? राजेश त्रिपाठी जो आता है बार बार, उसको वार्न भी किया था सर कि आप गलत करोगे तो आपके खिलाफ एक्शन होगा, लेकिन उसके बावजूद सर उसने मेरे ऊपर दो एफ आई आर किया सर। आप यहाँ से सर किसी को भेज दीजिए, अगर 1% ये घटना सत्य होती है सर, मैं आज ही खुद को समर्पण यही करूंगा सर, परिवार को भी मैं बुला देता हूं, लेकिन सर बिना न्याय के मैं घर नहीं जाऊंगा सर। हमारे भाई सर सब बाहर रह रहे हैं, कमाई कर रहे हैं, उन सब के नाम इसमें डाले जा रहे हैं। लास्ट टाइम सर मैंने आपसे कहा भी था, पहली बार आया तो एक FIR था, दूसरी बार आया मैं आपके पास तो दो FIR था, आज मैं आया हूँ मेरे ऊपर। ये SHO और इसको सबको बुलवा लो, यहीं पर ठीक, जब यहाँ बुलवाया जाए तो आप आ जाना। ठीक है सर, मैं वेट, वो भी आएगा, सब आएंगे एक साथ। बिल्कुल सर। और सर वो लेडीज को जिस 100 था उसको सर चोट वोट लगी थी काफ़ी, टेप वोप लगा हुआ था सर, मुझे दिया नहीं गया वापस, मेरा मोबाइल बच छीन लिया गया। चोट लगी थी तो उनका कहीं इलाज हुआ था नहीं? अब सर मुझे नहीं पता, पता ही नहीं सर, तो मुझे अचानक फ़ोन आया, मुझे ये भी नहीं पता किस किस व्यक्ति ने फ़ोन किया। क्या है वो आपके रिलेशन में, क्या लगती हैं? वो मेरी चाची हैं सर सगी। चाचा कहाँ है आपके? चाचा भी डेट हो गई, अंबिका प्रसाद, वो DM साहब का। कहाँ रहती थी चाची? गाँव में ही रहती थी सर, DM साहब का दलित। तो गाँव से यहाँ पर कैसे आ गए, दारागंज में कैसे आ गए? अब सर पता नहीं सर, जो तो मेवालाल पासी जिसके नाम से हमें वो करना था सर, वही घर का खेती बाड़ी टेबल में रहता था सर, सब वही ने जो भी कराया होगा। और थाने में ये कौन है, कुमारी देवी कहाँ पर है आजकल? सर उन्हीं उन्हीं कुमारी देवी का ही डेट हुआ। पैसा उन्हीं के अकाउंट में आ गया था सारा? जी सर, सारे अकाउंट पैसे और जायदाद के चक्कर में सर ऐसा हुआ। हाथ पैर में टेप लगा हुआ था सर, कोई सरकारी हुआ हॉस्पिटल की कोई पट्टी उट्टी कुछ नहीं लगी हुई थी सर, मैं ज़बरदस्ती उनसे कहा कि मुझे पोस्टमार्टम कराना, माँ ने दिया ही नहीं सर, मुझसे ही झगड़ा करके उल्टा मिल गई। कहाँ पर कहा आपने? आप पे केस लगा दिया? हाँ, मेरे पे ही सर धारा लगा के। क्या क्या धारा लगा दी सर? मारपीट का धारा लगवा के मुझे पे ही बंद कर दिया। किस थाने में? दारागंज सर। और पोखराज में और यहाँ पे भी मेरे परिवार वालों ने केस करने की कोशिश की, वहाँ भी सर सुनवाई नहीं हुई। यहाँ भी हुआ तो यहाँ भी बोला कि ये तो बंद है, इसके बाद ही अब जो होगा जो करें, इससे पहले आप पर कोई सुनवाई नहीं होगी। सब 3 तारीख को मुझे 3 बजे छोड़ा गया। कहाँ से छूटे? दारागंज से सर। थाने से ही छोड़ दिया? नहीं सर, लाके यहाँ कचहरी से छोड़ा गया सर। पहले कचहरी ले गए थे? जी सर। हाँ, ADG बोल रहा हूँ। हेलो। हाँ सर, देव जय। कहाँ शोर शराबे में हो सर? कहाँ शोर हो रहा है, कहाँ पर हो? ये सर, ये माननीय डिप्टी CM महोदय आए हैं सर, बेड़ी माधव मंदिर पर भ्रमण कार्यक्रम था सर, तो सुबह था 4 जगह का, आज आप सुबह का हमारे। थोड़ा अलग होके बात करो शोर शराबे से। ये एक लड़का यहाँ पर आया हुआ है, इसका नाम है ओम प्रकाश पांडे। इनका कहना है इनकी चाची को जो है मार दिया, उनके अकाउंट में काफ़ी पैसा था, उल्टा इसको उठा के बंद कर दिया दारागंज में। क्या है ये किस्सा, है जानकारी? ये पर जानकारी कोखराज का, कोखराज कोशाम्बी का रहने वाला है। सर देखना अगर बात करना, देख के मुझे बताइए, अभी पता करिए अपने थाने से, बताइए।
ये किसी को लगाइए पूरी पूछताछ करके, उसके बाद इसमें निर्देश निर्गत होंगे जाँच उपरांत FIR के। अभी बैठ जाना, उधर बाहर बैठो, बुलाया जाएगा तब आना। खेती बाड़ी करते चले आ रहा है तो पिछले सर जो है कि 28 को जो है विपक्षी जो है जबरदस्ती मेड़बंदी करके कब्जा कर रहे हैं। जो है शिकायत जो थाने की है उसका सीएम साहब के पास एक वीडियो भी है उसका, जो उनके खिलाफ 116 कार्रवाई हो गई विपक्षी के 51 में। ठीक है, इसके बाद जो है फिर सीएम साहब के पास भी गए जो है, उन्होंने जो है कि FIR का भी आदेश मौके पर लगकर पहले सरकार की संयुक्त टीम गई, संयुक्त टीम फिर उनको बना के भेजे गई। अच्छा, जाके आप इसका जांच करके हमको आख्या दीजिए। तो लेखपाल साहब ने आख्या दिया कि मतलब विपक्षी जबरदस्ती जोत लिया है। कहाँ पर है आख्या, वो वाली आख्या कहाँ है? हाँ सर, ये कह रहा था कि समाधान दिवस पर 29/9 को, तो ये वहाँ पर गए थे उस समय? बैठ जाइए नीचे। सीओ साहब के पास सर गए थे, वहाँ भी नहीं आए, एसओ साहब बुलवाए थे, वहाँ भी नहीं आए। ये पक्ष आया नहीं? हाँ, आवेदक द्वारा गढ़ा संकेत का भी दाखिल है, धान की रुपाई करके बेनामे में इनके चौधरी के अनुसार आवेदक द्वारा 285 में अपने हिस्से पर पूर्व में काबिज धान की रुपाई करवाने के लिए वर्तमान समय में ट्रैक्टर लेकर गया, तो विपक्षीगण आदि 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 क्रेता को अपने बैनामे की भूमि पर जोतने बोने वर्तमान समय में नहीं दे रहे हैं। ये बैनामे से ली आपने जमीन? हाँ सर, हाँ सर। तो कब्जा नहीं हो पाया अभी तक? नहीं सर, दो साल से हम जोत बो रहे थे, ये अचानक सर एक ऐसे सड़क निकल आई है दूसरी अपनी भूमि पर काबिज में जोतता बोता चला रहा। उक्त भाग में पूर्व से काबिज बैनामा की भूमि पर अंकित चौहद्दी के अनुसार पर्याप्त पुलिस बल महिला पुलिस बल की उपस्थिति में जो आवेदक द्वारा संभव होगा। इसके बाद का सर ये क्या है? इसके बाद इसके बाद का ये है, गए थे जो तो आग दिए थे पुलिस बोलने पर बद्दी में ये हो गया, पर्याप्त पुलिस बल की उपस्थिति में बैनामा अंकित चौधरी के आधार पर भूमि को जो तो अगवा दिया गया, विपक्षीगण पुनः मेड बांधकर भूमि को कब्जा कर लिया है, बोलने पर बद्दी बद्दी गाली मारपीट हो करता है। तो दिया नहीं उनको? नहीं, तो तमाम क्यों नहीं जाते, SSP के पास क्यों नहीं जाते आप लोग सर? क्योंकि आपके यहाँ संयुक्त टीम सर वहाँ का, इससे क्या मतलब है? तो कार्रवाई नहीं, इसलिए क्योंकि सर 23 तारीख को आए थे आप, FIR सर करवा दो। ठीक है, FIR के लिए लिख दिया। मैं जी नौबस्ता ग्राम सभा का प्रधान हूँ जी, मतलब जी अभी नव दुर्गा चल रहा था तो 10:30 बजे हम प्रसाद वितरण करके जी ये जानवर खेत में धान कई किले खेत हैं जी, तो छोटा भाई वहीं पे रखवाली करता है जी, तो 10:30 बजे के करीब जो ना जी खेत के तरफ जात रहे। अच्छा, तो अचानक एक आवाज़ जी, प्रधान जी रुको, तो हम जी मोटरसाइकिल से रहे, हमने कहा जानवर का आतंक, किसान ही आदमी जो है अपना होंगे, अपने मोटरसाइकिल को जी थोड़ी सी धीम की, उसके बाद एक नहर है। एक मिनट रुकिए। हेलो जय हिंद। सूचना है सर, प्रयागराज थाना मेजा अंतर्गत मेजा बम विस्फोट की सूचना, जिसमें 2 व्यक्ति घायल हैं, सबको बता दिए हैं सर जनपद। अच्छा, अभी मैं बताता हूँ, बम विस्फोट है, 2 घायल। ठीक है, थैंक यू। इको जुपिटर इको आदेश सर, ये SHO मेजा को बताइए और CO मेजा को तत्काल वार्ता करेंगे। ओवर। नोटेड सर, नोटेड। मॉर्निंग सर, शैलेश। हाँ मॉर्निंग। ये मेजा थाने में कोई विस्फोट हुआ है जिसमें 2 लोग घायल हुए, क्या है? मेजा थाने में? हाँ अभी बताया, बस जल्दी देख के फटाफट बताइए। ठीक, बताइए। आवाज़ दिए प्रधान जी रुको, अंधेरा था जी, हमने गाड़ी को जैसे धीम किया, वहाँ आम की बाग थी, तभी जो ना जी गांव का एक व्यक्ति जो है उसने पीछे से पहले तो इस वार किया, तब तक वो 3 लोग जो चेहरे को ढके थे
पहचान नहीं पाए। हमें लगा सब धान की अपना सब गांव के ही है, लेकिन जिसने हसिया सवार किया था उस आदमी का चेहरा जो है जी। फिर हम प्रथम सूचना थाने दिए, उस दिन एसओ साहब जी शायद छुट्टी पे अपना गए थे कहीं घर एक आध दिन के लिए। हम रात को गए लगभग 11 बजे थाने जी, हमारा मेडिकल करवाया गया, मेडिकल हुआ, उसके बावजूद भी आज 15 दिन हो गए जी, ना तुमसे कोई पूछताछ ना कोई, और जाता हूँ बस यही दबाव, मतलब हतिया यशो कहते हैं जी दबाव है, बस यही एक शब्द उनका जी। तो कप्तान साहब से नहीं मिले फिर? नहीं साहब, बस यही इलाहाबाद ज़्यादातर रहते हैं, तो हम आप ही के पास जी। तो वहाँ सीओ बैठते हैं, एसपी बैठते हैं वहीं पर कुंडा में, हम उनसे मिले नहीं? यहीं जी इलाहाबाद, हमारा पापा मुझे। तो वहाँ कहाँ पहुँच गए आप, खेत वगैरह में? नहीं वहाँ है ना जी पैतृक अपना इंसान को, यहाँ उस दिन नव दुर्गा चल रहा था जी, ज़्यादातर गांव के प्रधान कौन है? नौबस्ता हम ही हैं जी। और ये परमेंद्र कुमार आपका नाम है? हाँ जी हम ही प्रधान। जय हिंद। ये के प्रधान जी आए हुए हैं आपके गांव के, परमेंद्र कुमार, ग्राम है नौबस्ता। इनके हसिया से वार किया खेत में, मारा इनको, मेडिकल भी हुआ, बाकी सब चीज़ों की, और अब आप बता रहे हो कि दबाव है जी मेरे ऊपर, इसलिए मैं काम नहीं कर पा रहा। क्या दबाव है बताइए जरा, किसका दबाव है? नहीं दबाव नहीं है सर, ये गलत लाभ लेना चाहते हैं सर, कप्तान साहब को जानकारी इस मैटर के, ये सर पड़ोसी की बाउंड्री गिरा दिए थे इन्होंने, वीडियो बनाते हैं, इनके खिलाफ एनसीआर लिखा है सर, ठीक है, इनके भाइयों के खिलाफ, उसकी जाँच कराई गई थी सर, उसी के बारे में लिखाना चाह रहे थे, इस बात की जानकारी कप्तान साहब को दिए सर, उनको बताया सर। ठीक वो तो फर्जी बता रहे हैं, आप इसकी जांच करें। आप एसपी प्रतापगढ़ से मिले? आप इसलिए नहीं गए वहाँ पर, उनको पता पूरी जानकारी है एसपी प्रतापगढ़ के पास? क्या बता रहे हैं जी? आपके खिलाफ कोई एनसीआर लिखी है थाने में? मेरे खिलाफ? दीवार गिरा दी थी किसी की? नहीं जी हमारे खिलाफ कोई एनसीआर नहीं है जी। किसके खिलाफ लिखी है फिर एनसीआर? हमारे भाइयों के खिलाफ, वो भी एक बार आप पता करवाइए, हम तो यहाँ रहते। आप तो कह रहे कोई एनसीआर नहीं लिखी, भाइयों के खिलाफ ही लिखी है? हम जी पांच भाई, सबका कारोबार अलग है ना जी, उससे हमारा जी, हम ये जो हमारे उस साथ घटना हुआ जी, इससे पहले तो जब यहाँ रहते हो तो वहाँ गाँव में प्रधानी क्यों कर रहे हो? अरे तो जी अब हम वहाँ चुनाव, हमारा क्यों लड़े चुनाव ना, जब गाँव में आपको रहना नहीं ना, वहाँ काम करना रहे, यहाँ रहे हो प्रधान ही वहाँ कर रहे हो। आपको लोगों के समझौते फैसले वो कराने चाहिए गांव में, आप खुद ही जो लड़ाई में घुसे हुए हो, हाँ खुद ही किसी की दीवार गिरा रहे हो, कहीं मुकदमे लिखा रहे हो, किसी की हिम्मत है ऐसे प्रधान पे ऐसे वार कर देगा जी? अब आप एक बार इसकी उच्च अधिकारी से जांच करवाइए जी। ठीक है मॉर्निंग। सतपाल एक प्रधान जी आए हुए हैं जन सुनवाई में आपके यहाँ के, परमेंद्र कुमार, ये गांव है नौबस्ता, थाना हतिगवां प्रतापगढ़ का। इनका कहना है कि जी मेरे ऊपर हसिया से वार किया गया, कुछ लोग अज्ञात थे कुछ ज्ञात थे, मैं यहाँ प्रयागराज में रहता हूँ, कभी कभार जाता हूँ गांव में। ये कह रहे हैं कि एसओ कहता है कि मेरे ऊपर दबाव है FIR नहीं लिखने का, मैंने वहाँ पूछा एसओ से, तो एसओ कहता कि जिनके खिलाफ NCR लिखी हुई है, ये कहते हैं मेरे खिलाफ़ नहीं है, मेरे परिवार वालों के खिलाफ NCR है, कोई दीवार गिरा दी थी। आपकी जानकारी में ये मामला क्या है? ये इनके खिलाफ लिखा हुआ है सर, उन्होंने जांच की तो थाने वालों ने मतलब जो आरोप लगा रहे मेरे पास मार्कशीट आई थी वो नहीं पाया। सीओ को मौके पे भेजिए इसमें और देख के बताइएगा, क्योंकि इनकी बात से मुझे लग रहा है कि ऐसा नहीं है, वैसे ही फर्जी घूमेंगे ये है जरूर, कोई ना कोई वो गलत सूचना दे रहा, पहले तो उसने यही गलत सूचना दी कि इनके खिलाफ वो लिखा हुआ है। हाँ मुकदमा तो लिखा हुआ है इनके खिलाफ नहीं है, वो पड़ोस उनके परिवार वालों के, इन पे नहीं है, देख के बताना मुझे। हेलो एक जी सरकारी मंदिर तोड़ा गया था तो मैं उस पर विरोध किया था, जब ये 2 महीने नहीं बीते जी मैंने खोल के वो सार्वजनिक संपत्ति थी, काली माता का मंदिर था जी, उसका वीडियो भी वायरल हुआ था। चलिए सीओ जाएंगे मौके पर।